आज की खास खबर, भंडारा जिले के लाखांदूर तहसील क्षेत्र में आने वाले मोजा गांव में सभी धर्मों का सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 24 दूल्हा दुल्हन की शादी की गई। इस विवाह समारोह में पूर्व भाजपा के सांसद नाना पटोले मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। आइए देखते हैं एमएनएस न्यूज लाइव के भंडारा ब्यूरो चीफ निषाद लांजेवार का खास कवरेज एमएनएस न्यूज के लिए। पूर्व सांसद नाना पटोले के माध्यम से कन्यादान का कार्यक्रम चल रहा है, अभी अग्नि का कार्यक्रम चल रहा है, अग्नि को जलाया गया है। यहाँ सारे वधूवर सारे, यहाँ आप देख रहे हैं कि सारे समाज के वधूवर यहाँ पर, दूल्हा दुल्हन यहाँ पर हैं, और एससी समाज के बहुजन और साथ में हिंदू समाज के भी अभी यहाँ पर अभी विदाई का कार्यक्रम चल रहा है। अभी ये जो अग्नि जो जलाई गई है, अग्नि को सात फेरे लगाने का काम कर रहे, मतलब जो हिंदू संस्कृति में जो अग्नि फेरे जो होता है, अग्नि को साक्षी रखकर जो विवाह समारंभ का संपन्न किया जाता है, ये नाना पटोले जी के माध्यम से अभी यहाँ पर सारी सोपस्कार सारे कार्यक्रम विधिवत किए गए। और ये 24 दूल्हा दुल्हन के पिता बनकर पूर्व सांसद नाना पटोले ने ये सारे कार्यक्रम निपटाए हैं। और अभी सारे समाज के जो यहाँ दूल्हा दुल्हन बैठे हैं, ये सारे समाज के दूल्हा दुल्हन अभी अग्नि को सात फेरे करेंगे, मतलब लेंगे, और सात वादे सात कस्में यहाँ पर लेने वाले हैं। नाना पटोले जी पूरी देखभाल नाना पटोले जी यहाँ पर कर रहे हैं। नाना पटोले जी सांसद, पूर्व सांसद, इन्होंने पूरी ये 24 जो दूल्हा दुल्हन है उनके पिता बनकर उन्होंने ये कार्य संपन्न किया है। अग्नि के सात फेरे लिए गए, विधिवत सात फेरे लिए गए, और सांसद नाना पटोले के माध्यम से ये पूरे अभी लोग अग्नि को साक्षी मानने के लिए सात फेरे यहाँ पर ले रहे हैं। एक अद्भुत अविस्मरणीय क्षण जो बहुत ही कम देखा जाता है। एक खासगी एक वैयक्तिक जो शादी होती है, पर्सनल शादियों में जो भी विधिवत कार्यक्रम होता है, उसी तरह से यहाँ पर काम किया जा रहा है। खास करके देखा जाए तो पूरी तरह से यहाँ पर लोगों को, दूल्हा दुल्हन को सात फेरे, अग्नि के सात फेरे लगाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। विधिवत सामूहिक समारोह में देखा जाता है कि कभी भी ऐसे कार्यक्रम होते नहीं, लेकिन आज यहाँ पर पूरे कार्यक्रम विधिवत किए जा रहे हैं। हमारे पूर्व सांसद नाना पटोले जी और पूर्व सांसद मारोद्रा कोवासी जी और पूरे तहसील के या पूरे जिले के भंडारा गढ़चिरौली चंद्रपुर जिले के सारे पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, और उनके साक्ष्य में, उनके प्रत्यक्ष उपस्थिति में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। खास करके दोस्तों बात ये है, खास आज के शादी की खास बात यह है कि यहाँ सर्व जातीय की सर्वी समाज के लोग आज यहाँ हिस्सा ले रहे हैं। खास करके आप देख रहे हैं एससी समाज के भी दूल्हा दुल्हन अग्नि में सात फेरे ले रहे हैं, और हिंदू समाज के भी पूरे दूल्हा दुल्हन यहाँ पर सात फेरे ले रहे हैं। नाना पटोले 13वां साल है नाना पटोले ने खास करके ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, और हर साल सैकड़ों दूल्हा, सैकड़ों गरीब लोग जो होते हैं, जो परिवार के लोग होते हैं, वो सैकड़ों परिवार के लोगों की शादियां लगाकर देने का काम नाना पटोले करते हैं। बहुत ही अविस्मरणीय क्षण है। अग्नि के फेरे यहाँ पर लिए जा रहे हैं, और आप देख रहे हो, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कितना अविस्मरणीय अद्भुत समारोह यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, और बहुत ही अद्भुत समारोह आयोजित करते करते यहाँ के सभी दूल्हा दुल्हन के पिता बन चुके हैं नाना पटोले जी जो सामाजिक कार्य में तत्पर रहते हैं। अभी 13वां साल मोहरना में है, और बताया गया है कि साकोली विधानसभा क्षेत्र के अंदर नाना पटोले ने अभी तक के 15 साल के अंदर कम से कम 8,500 परिवार की सामूहिक शादी लगाकर उन्होंने दी है, विधिवत पूजा हो गई है, और आप देख रहे कि सात फेरी है। ये अद्भुत अविस्मरणीय क्षण होता है किसी भी दूल्हा दुल्हन के लिए। सात फेरी लेने के बाद, अग्नि फेरे लेने के बाद में एक जो विदा होती है, दुल्हन अपने घर से विदा होती है, ये अविस्मरणीय क्षण होता है, अद्भुत क्षण होता है, और ये इसी क्षण को अभी सारे दूल्हा दुल्हन प्रत्यक्ष रूप में अपना रहे हैं, सात फेरे ले रहे हैं। बहुत ही मन भरा लुभावना हुआ क्षण है, आंखों में अनमी है, आंसू है, और वाकई में इस आंसू को अपने अंदर समा ले हमारे पूरे दूल्हा दुल्हन अग्नि के सात फेरे ले रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हुए हैं, और खास करके मैं बताना चाहूँगा कि नाना पटोले
नाना पटोले जी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस सारे लोगों का दूल्हा मतलब पिता बनकर एक पितृतुल्य उन्होंने काम किया है, पिता बनकर वो उन्होंने पूरा काम किया है। और पूरे जो दूल्हा दुल्हन है वो दूल्हा दुल्हन को अंतिम क्षण में उनको विदाई देने के लिए वो यहाँ पर खड़े हैं। मैं भी भावुक हो चुका हूँ, मेरे भी नम आंखों में आंसू आ चुके हैं, क्योंकि ये क्षण ऐसा है दोस्तों, इस क्षण के अंदर दूल्हा दुल्हन दुल्हन खास करके दुल्हन अपने मायकों को छोड़कर अपने ससुराल में जाती है। अपने माँ बाप के घर में 20 साल 25 साल रहने के बाद में 18 साल रहने के बाद में जब अपने घर से विदा होती है तो निश्चित रूप से वो क्षण जो होता है माता पिता के लिए भी बड़ा दुखदायक होता है, दुल्हन के लिए भी दुखदायक है, क्योंकि वो नए परिवार में जाने वाली है, नए घर में जाने वाली है। लेकिन दूसरी खुशी की बात यह है कि सांसद पूर्व सांसद नाना पटोले इन्होंने अपने पिता का कर्तव्य निभाते हुए आज सारे दूल्हा दुल्हन को यहाँ से अग्नि के साथ फेरे लेने के लिए लगाए, अग्नि के साथ फेरे लगाने के बाद में यहाँ से दूल्हा दुल्हन को विदा किया जाएगा। अत्यंत भावुक क्षण है, अत्यंत अविस्मरणीय क्षण है और शायद ही ऐसा क्षण ग्रामीण क्षेत्र के अंदर देखने को मिलता है। कई लोग कहते हैं कि नाना पटोले ने क्या किया, कई लोगों का आप जिस नाना पटोले ने क्या किया, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि नाना पटोले ने यही काम किया। मैं भावुक हूँ, मैं ज़्यादा बता नहीं सकता, क्योंकि एक एक माता पिता के एक एक बेटी का एक बेटे का बाप होने का कर्तव्य जो आदमी निभाता है, लेकिन यहाँ तो पूरे 24 दूल्हा दुल्हन के 24 लड़का लड़कियों के एक पिता का होने का महत्तम कार्य नाना पटोले के माध्यम से हो जा रहा है। मैं भावुक को मेरे मैं नहीं बोल सकता, मेरे आंखों में नमी है, आंसू है, और ये इतना अद्भुत क्षण है, इतना अद्भुत क्षण है मित्रों कि ये वाकई में मैं शब्दों में क्या बयान करूँ। मैं शब्द मेरे पास शब्द कम है, मेरे पास लफ्ज कम है, सिर्फ हम प्रार्थना कर सकते हैं कि ये दूल्हा दुल्हन को आने वाले दिनों में उनको आशीर्वाद मिले, उनका भावी संसार सुखमय हो, खुशियाँ ही खुशियाँ उनके जीवन में आए, यही हम कामना कर सकते हैं। बहुत ही उधर जो संगीत लगा हुआ है, गाना लगा हुआ है, मैं के कि तुझे याद नहीं आए, सुखी संसार मिले, बहुत ही बड़ा एक अद्भुत क्षण, और इस अद्भुत क्षण को मैं प्रत्यक्ष रूप से साक्षी हूँ। नाना पटोले जी सेवक आ गए, जिसा पटेल हमारे भरत खंडे जी, बहुत ही अलग से अलग का कैसा महसूस कर रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो इस क्षण को देखते हुए? हमारे प्रेरणा स्थल और आधार स्तंभ इस भंडारा और गोंदिया जिले के नवे पूरे महाराष्ट्र के बहुजन समाज के नेता आदरणीय नाना भाऊ पटोले गेले 20 साल से ये सामाजिक कार्य कर रहे हैं, और ये सामाजिक काम करने के बाद में सभी लोगों का सभी सर्व धर्मभाव लोगों का यहाँ पे सहभाग रहता, बहुत अच्छे के खुशी के साथ में ये ऐसा गांव हर इसमें ये त्यौहार मनाया जाता। जिस दिन शादी रहती तो वो पूरे गांव को लगता हमारे गाँव में कोई दीपावली या पोलियो का सन हो, और नाना भाऊ का बहुत अच्छे से यहाँ पे स्वागत करते हैं। अभी भरत खन्ना जी ने बताया, सामाजिक कार्यकर्ता उन्होंने बताया नाना भाऊ के महत्व के कार्यकर के बारे में बताया, वाकई में एक महत्तम कार्य नाना भाऊ पटोले के है। लोग कहते हैं कि नाना पटोले ने आखिर क्या किया, विकास कहाँ पर है, नाना पटोले को पूछा जाता है कि विकास कहाँ पर है। मैं दोस्तों दर्शकों को बताना चाहूँगा कि विकास केवल रास्ते बांधना, समाज मंदिर बांधना या ये सारी सुविधा तो होती है, लेकिन इसी के साथ साथ में सामाजिक बंधनों में लोगों को एक साथ जोड़कर रखना, सामाजिक सौदाहार सामाजिक सौदार्य यहाँ पर तैयार करना, ये सबसे बड़ा काम है। इन्होंने सभी समाज को एक साथ रखने का कोशिश की। हमारे साथ में वर्षा के जैसा भाई मोटवानी जी उद्योगपति हमारे साथ में है, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि सर ये माहौल देखकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा माहौल लग रहा है, ऐसी शादियाँ मैंने कभी पहले देखा नहीं। आज ये जो दलित समाज की शादियाँ और OBC समाज की शादियाँ और बड़े तादाद में 24 शादी का यानी 48 24 लड़कियाँ 24 लड़कों की शादी में जो इतना पीसफुल अच्छा वातावरण, बहुत ही अच्छा वातावरण है, और ऐसा वातावरण पूरे देश में होना चाहिए, ऐसा वातावरण पूरा देश में होना चाहिए जैसा भाई मोटवानी का कहना है। नाना पटोले के माध्यम से नाना पटोले अभी ये 24 लड़कों के एक पिता बनकर इन्होंने अभी ये पूरा ये काम कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? ये जो 24 शादियाँ जो की है इन्होंने, ये जो है मराठी शेतकरी जे आहे, शेतकरी कर्जाने जे त्रस्त आहे त्याला ह्या सामूहिक विवाह सोहळ्याने पूर्णपणे आधार मिळेल आणि समाज सुधारण्यास पूर्णपणे समाज सुधारण्याकरिता पूर्णपणे मदतच मिळेल। आणि नानाभाऊंनी हा जो कार्य आरंभलेला आहे त्यांच्या पूर्ण जीवन कार्यातील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे, आणि प्रत्येक गरीब कुटुंबांना त्यांनी आधार देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। एक समाज सुधारने के लिए ये काम हो सकता है, बहुत बड़ा काम
सीआरपीएफ के कमांडो, हमारे कमांडो सर है त्रिपाठी सर। त्रिपाठी सर, आप ये जो माहौल देख रहे हो नाना पटोले के माध्यम से सारी सामूहिक शादियों का आयोजन किया गया, और कैसा लग रहा आपको ये माहौल देखते हुए? मुझे पहली बार इस तरह के किसी भी सामूहिक शादी में शामिल होने का मौका मिला है, तो मैं ये सबसे पहले तो सीआरपीएफ की तरफ से इन सभी वर वधुओं को शुभेच्छा देता हूँ, और ये मंगल कामना करता हूँ कि इनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत प्रॉस्पेरस और बहुत ही सुखद रहे। और ऐसे जगह पे आकर के ये लगता है कि वाकई एक एक सामाजिक क्रांति है, जिसमें लोग इतने एक साथ में मिल करके और एक समय में इतनी सारी शादियां एक साथ कर लेते हैं, और इससे समय की भी बचत होती है और बहुत सारे संसाधनों की भी बचत होती है, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इतने लोग सभी एक साथ प्रत्यक्षदर्शी होते हैं इस सामूहिक विवाह के। तो वैसे में मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ आ करके, और मैं जैसा मैंने बताया कि मैंने पहली बार इस तरह के किसी सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मैं एक बार फिर से सभी ये नवविवाहित वर वधुओं को सीआरपीएफ की तरफ से मंगल कामना देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सीआरएफ के कमांडर मिस्टर सर की, उन्होंने बताया कि नागपुर से खोबरागढ़ जी मैडम हमारे साथ, आपको कैसा लग रहा है? वो मुझे तो मैं बता नहीं पा रही हूँ खुशी, मेरे चेहरे में गर्मी में इतनी खुशी हो रही है, मैं फर्स्ट टाइम देखा है, और मैं चाहती हूँ नाना पटोले जी नागपुर से, वो अभी इलेक्शन के बाद डिक्लेयर हो गया हमारा, चुनाव के बाद में चुन कर आते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उनके नेतृत्व में पूरे नागपुर शहर में, क्या पूरे महाराष्ट्र में इस तरह से शादी होना चाहिए, और इस तरह से गर्मी के माहौल में इतने जोड़े, और ये खुशी एक अलग से, ये एक अच्छा मैसेज जाता है, और मैं चाहती हूँ कि नागपुर में ऐसी, नागपुर में अभी क्योंकि अभी नागपुर से नाना पटोले ने चुनाव लड़े हैं और अभी आए और चुनकर आ रहे, पूरा विश्वास है मैडम को कि चुनकर भी आ रहे, और नागपुर में चुनकर आने के बाद में ऐसी शादियाँ नागपुर में भी आयोजन किया जाए इनकी अपेक्षा है। मैडम आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये देख करके, फर्स्ट टाइम मैंने देखा है और फर्स्ट टाइम ऐसा प्रोग्राम अटेंड किया, थैंक्स टू नाना पटोले जी जिन्होंने हमें ये मौका दिया, और बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरी जितना जिनकी शादी हुई यहाँ पर, विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ, और आगे भी हम ऐसा चाहते हैं कि नागपुर में भी ऐसे कुछ प्रोग्राम्स हो। थैंक यू वंस अगेन। ये गांव का जो वातावरण है मेरे लाइफ में मैंने पहली बार देखा है, गांव का वातावरण पहली बार मैडम ने अपने लाइफ में पहली बार देखा है, कि बहुत ही जबरदस्त एक माहौल है, एक नमी भरी आंखों से अभी यहां पर दूल्हा दुल्हन की विदाई होने वाली है। चलो मैं कुछ हमारे दूल्हा दुल्हन भी है उनसे भी हम थोड़ा बात करने की कोशिश करते हैं, कि उन्होंने सामूहिक शादियों में उन्होंने अपना आकर अपना सहयोग दिया, तो इनको कैसा लग रहा है? आप अपना नाम बताइए, और आपने सामूहिक शादी में अपनी शादी लगाई, कैसा लग रहा है आपको? मेरा नाम शिवशंकर वागन, मैं मोदा का रहने वाला हूँ, यहाँ आके देख के मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, यानी सभी समाज के मिलकर यहाँ पे शादी कर रहे, तो अच्छी फीलिंग आ रही है। आपको कैसा लग रहा है? चलो मतलब दूल्हा दुल्हन भी यहाँ पर थोड़ा खुश है, उनको लग रहा है कि आइए देखते हैं कि नाना पटोले अभी सभी दूल्हा दुल्हन को टीका लगा रहे हैं। एक पितृत्व का नाता जो है, एक बाप का नाते की जो आखिरी जो होती है, वो अभी नाना पटोले सभी दूल्हा दुल्हन को यहाँ पर वो टीका लगा रहे हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, और आशीर्वाद उनको दे रहे हैं, और उनको भावी उज्जवल जिंदे जीवन के लिए उनको कामना कर रहे हैं, उनको कुछ भेंट वस्तु भी दे रहे हैं, और एक मंगल कामना नाना बाबू पटोल की तरफ से की जा रही है। हम आइए देखते हैं कि कोशिश करते हैं नाना बाबू से बात करने की, क्योंकि अभी वो व्यस्त अपने सभी दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने में व्यस्त है, अब तो जैसे भी फ्री हो जाएंगे मैं कोशिश करूंगा कि उनसे भी बात करें। और एक पितृ होने का जो नाता और संबंध होता है, एक बाप होने का जो नाता होता है, पिता होने का जो कर्तव्य होता है, वो पिता होने का कर्तव्य नाना पटोले की तरफ से पूरा का पूरा यहाँ पर निभाया जा रहा है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि ये माहौल जो है ये बड़ा नम भरी आंखों में, सबके आंखों में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं उनकी आंखों में आंसू है। ये जो लड़की को विदाई करने वाला जो क्षण होता है, मौसम जो समय होता है, वो जो ये जो क्षण होता है, ये क्षण बड़ा भावुक होता है, या क्योंकि यहाँ ये जो भावुक क्षण होता है, और ये भावुक क्षण में सभी साक्षी बन चुके हैं। डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।